मॉर्निंग दोस्तों, तो यहाँ पे है शादी। और जो मैं कल बता रही थी आप सभी को कि कोने वालों के शादी है, यहाँ ऐसे ही नाम होते कोने वालों के। तो यहाँ पे शादी है और हमें कुछ नहीं पता था। बस कल हमने जब देखा ये सब तो पता चला, गांव में पता होता है, शहरों में कुछ नहीं पता चलता किसी का कुछ भी। और आज है ना, देखो मेरे से ये गिर गया। ये सब ये लड्डू का है। तो मतलब आज पूरी धुंध है, शायद कैमरे में मैं देख रही हूँ, कैमरे में कम दिख रही है। और उस टाइम हो रहा है 9:30, जब इतनी धुंध है। और बाहर का तो पता नहीं, गांव का तो नज़ारा ही क्या होगा आज। यहाँ पे हमारे यहाँ पे शादी हो रही है, इस तरह से शादी होती है। अब ना कोई भी मतलब बराबर में करवा रहा है, देख लो। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है सभी बताना कमेंट करके। और टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ शादी वालों का क्या हाल है देख लो बाहर निकल के, ये हाल है इनका। और ठंडी हो रखी है बहुत ज्यादा। क्या कर सकते हैं, बारिश तो अच्छी लग रही है लेकिन बस नहीं बोलूंगी। सुबह किसी को स्कूल जाना बहुत जरूरी है, सुबह पेपर है उसका, क्या होगा देखते हैं। बारिश पड़ रही है अभी, तो फिर सुबह मिलेंगे आपसे। मैं आई हूँ ऊपर, और ऊपर किस काम के लिए आई हूँ, पहले तो ये देखिए, ये चूल्हा सीमेंट का है जो बचा हुआ है, ये बारिश में पिट गया। सॉरी मम्मी देखेगी गुस्सा होगी, मम्मी ने बनाया था ये। तो टमाटर नहीं है और मैं आलू कट करने बैठी थी। और ये देखिए, ये कपड़े हाथ से धुलेंगे, बाकी वॉशिंग मशीन में लगा के आई हूँ, दिखाऊंगी आप सभी को। और मैं ये भी बो देती हूँ और टमाटर तोड़ लेती हूँ। ये फायदा है, एक आध टमाटर लगा हो तो, दो टमाटर बहुत होंगे। टमाटर आज मुझे मिले नहीं, और इस टाइम पे कोई लाने वाला भी नहीं है, तो कम से कम दो टमाटर काम तो करेंगे। तीसरा भी तोड़ लूँ, ऐसा हो रहा है, तीसरा तोड़ लेती हूँ इसे भी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, तोड़ लेती हूँ, कच्चा है वैसे तो। ये तो नहीं टूट रहा भाई एक हाथ से, तो किस किस को खानी है आलू की सब्जी। मिर्च तो भाई एक आधी लग रही है, मिर्च बहुत कम हो गई है जब से सर्दी पड़ी है। चलते हैं भाई अब नीचे, पहले करके आती हूँ आलू की सब्जी, तब मैं तड़का लगा के आती हूँ। और ये मुझे लग रहा है कि टमाटर हो गए हैं शायद, मुझे लग रहा है, मुझे पक्का नहीं पता, आप बताना। टमाटर ही है ना, कुछ हो रहा है। और आज मैंने जोत भी 10:30 बजे जगाई है, आज मैं लेट नहाई हूँ क्योंकि मैंने सर भी धोया है, धूप निकल गई, वेट कर रही थी। देखिए अब मैं आलू कट कर लेती हूँ, बाद में धोऊंगी आलू भी और टमाटर, फिर मिलते हैं आप सभी से। कई दिन में मेरा वीडियो आया है और अब मैं पहले आ गई हूँ सब्जी बनाने, व्लॉग के बाद मतलब व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी एक वक्त पर, मैं कल बात करूँगी। कई दिन से बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो उस टॉपिक पे मैं कल बात करूँगी। टाइम इतना ख़राब है कि बस बात करने का भी मन नहीं करता, एक बार नहीं हर बार वही बात। लेकिन दया और धर्म और प्यार तो रहा ही नहीं दुनिया में बिल्कुल भी। तो बस अब मैं सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। मेरे पास टमाटर और आज आलू के साथ कुछ भी डालने के लिए नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि टमाटर वो रखे हैं, हिमांशी ने बताया। क्योंकि जैसे कि बारिश वगैरह भी आप सबने देखा है, पहले व्लॉग में बारिश पड़ी थी, तो एक दो दिन से मैं गई नहीं। ये कल का शुक्रवार का है मेरा व्लॉग, और पहले ये एक दो दिन का जो छोटी सी क्लिप मैंने बारिश की और बराबर में शादी की दिखाई थी, वो छोटी सी क्लिप कई दिन पहले की थी, मतलब दो तीन दिन पहले की थी। बारिश पड़ी है, कौन से दिन पड़ी है आप सबको पता ही है, तो शायद बुधवार की शाम को पड़ी है, तो उस दिन की थी मेरे पास ये क्लिप। और बस फिर उसके बाद में मैं चली जाऊंगी ऊपर ही खाना सब्जी वब्जी सॉरी कपड़े धोने के लिए, और सिंपल ही सब्जी बनानी थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया क्योंकि व्लॉग तो बनाना था, कंटिन्यू कर दिया था, दूध गर्म हो गया था, ये मैंने ढक के रख रखा है। और बस उसी के साथ साथ
मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लेते हैं, तो स्पीड थोड़ी इसलिए बढ़ा दी कि बड़ा व्लॉग ना हो। तो मुझे पतली सब्जी का मन था, बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि है ना मेरे पास छाए। तो ये लड्डू को भोग लगा दूंगी मैं अभी और लड्डू ग्रहण कर लेंगे। ये लड्डू की ही थाली है, लड्डू को भोग लगा दिया है मैंने, लड्डू ग्रहण कर लेंगे फिर मिलते हैं। रोटी बना ली मैंने, तो चटनी है टमाटर की, मिर्च बहुत कम है इसलिए इतनी सारी रखी है। और आप सभी आ जाइए, सब्जी है। और ये हमें मतलब मेरे मायके से याद आता है, शाम को दूध के साथ, कच्चे दूध के साथ खाते थे और सुबह के टाइम छाए के, तो हमारी कोई गलती नहीं है, हमसे खाई नहीं जाती ऐसे रोटी। अब भी जब शादी हुई ना तो ये लोग कहते थे कि हम छाए नहीं पीते, तो मैं पानी से पीती थी उस टाइम भी, मतलब पानी लगा के। अब तो खैर कुछ भी खाओ। लेके आई हूँ, यही फैलाने पड़े हैं। एक वहाँ सुखाया है, एक अपनी जर्सी वहाँ सुखाई है, नहीं तो सब सुखाए हुए हैं नीचे वालों ने कपड़े। और ये बलियान मैंने उठा कर रख डाल दिए क्योंकि वाइट थे, इन्हीं के ही हैं। और ये पता नहीं इनकी डली हुई है। और अब मैं अपने कपड़े धोती हूँ, मैंने अपने सारे कपड़े यूँ ही बिछाए हैं, देखो सूखेंगे जबकि ये, क्योंकि ये तो हाथ से सूखेंगे नहीं। ये धो लेती हूँ मैं अब कपड़े अपने, और रोटी वोटी बना के आई हूँ, इतने में ही थक गई। जो वॉशिंग मशीन में धोए थे वो चल जाता, और ये मैंने सूट भी अपने दो और ये हाथ से धोए हैं। सूट में ज़्यादातर मतलब जो इस तरह के होते हैं हाथ से धोती हूँ, वो पुराने से हो जाते हैं पहनने से, ये नए से तो नहीं है पहने हुए, मतलब रोज़ पहनती हूँ और फिर भी वो भद्दे से हो जाते हैं पता नहीं क्यों। तो ये स्कूल ड्रेस और ये कोट है दिसू का, और ये यहाँ सुखा दिए हैं, ऐसा नहीं है उनके सारे कपड़े उतार दिए, ये कपड़े उनके ही हैं और वो कपड़े मैंने इकट्ठे कर दिए सूखे हुए से, चाहे सूखे हुए या कुछ भी हो भाई, मेरे तो स्टैंड ला के सुखाते। ये कह रहे थे कि पूछा था उन्होंने कि कपड़े सुखा लें, तो सुखा ले यार, स्टैंड कितना भी सुखा लो, पूरी बड़ी छत है, लेकिन ये तो देखते कि मेरे कपड़े भीगे हुए हैं, जब ये सुखा के गए होंगे मेरे कपड़े उससे पहले भीगे हुए थे। मैं तो हिमांशी की वजह से रुकी हुई थी, हिमांशी ने अब भी नहीं दी मुझे स्कूल ड्रेस अभी अपनी, तो सूख जाते यार, सूख जाते, चाहे मैं प्रेस से सुखा देती, हवा अच्छी चल रही है। तो चलते हैं भाई, मिलते हैं फिर शाम को।